तो गुड मॉर्निंग, फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, वेलकम इन मास्टरमाइंड में। रोज की तरह कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी को लिए। अगर आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा आप अपडेट जान लीजिए तभी आप मुंबई एयरपोर्ट पर जाएँ। चलिए पूरा यहाँ पर बता देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं। तो मुंबई एयरपोर्ट पे यदि आप आने वाले समय में ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे वो गल्फ देश से आए हो या तो यूरोपियन देश से आए हो या फिर किसी भी देश से आए हो, जहाँ पे आने के पहले आपको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग मुंबई एयरपोर्ट यह जानकारी दी गई है कि यदि आप मुंबई एयरपोर्ट ट्रैवल करने वाले हैं और आपको अगर वैक्सीन लग चुकी है, मतलब कि आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, तो अब आप मुंबई एयरपोर्ट पर बिना क्वारंटाइन के भी आ सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जब दिया जाएगा तब आपको वैक्सीन नहीं लगी होगी। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो क्वारंटाइन से बच सकते हैं, जिनमें शामिल हैं आप किसी इमरजेंसी काम के लिए भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे बच सकते हैं। यदि आपकी फैमिली में कोई डेथ हो गई है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर बच सकते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पर क्वारंटाइन नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप कोई हेल्थ वर्कर हैं और आप भारत में किसी इमरजेंसी सर्जरी के काम के लिए आए हैं तो यहाँ भी आप बच सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्वारंटाइन नहीं रखा जाएगा। इसके साथ साथ यदि प्रेग्नेंट महिला है या फिर बीमार है, जिसके कारण 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होटल में नहीं रुक सकते हैं, तो वहाँ भी इनको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा कई सारे लोग हैं जो सेकंड बेसिक पे लोग अप्रूवल मिल जाता है, उसके लिए आपको मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद वहाँ के नोडल अफसर से बात करनी पड़ेगी। यदि आप वहाँ पर अपनी बात से सहमत कर पाते हैं उन्हें, तो मुमकिन है कि आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं। यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले थे तो आप इन सभी बातों का ध्यान रख सकते हैं और कोशिश करें कि यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर जाते हैं तो पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें, जिसके कारण आपको क्वारंटाइन नहीं होगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुंबई एयरपोर्ट को। आपको शायद ये अपडेट समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू।